नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बात करेंगे बहराइच की। आपको बता दें, तहसील मेहीपुरवा मोतीपुर में बाढ़ राहत सामग्री वितरण किया गया। तहसील मेहीपुरवा मोतीपुर दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को राजस्व टीम द्वारा अक्षवर लाल गोंडा, सांसद बहराइच, उप जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, तहसीलदार डॉक्टर सुनील कुमार, नायब तहसीलदार अरसलान के द्वारा गोपिया बैराज पर 3 पंचायतों के 520 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट वितरण की गई। मौके पर वरिष्ठ नेता, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ बैजू भैया, भाजपा नेता संजीव गौड़, भाजपा नेता धीरज गौड़ और पूरी राजस्व टीम, क्षेत्रीय लेखपाल आने समेत लोग मौजूद रहे। संवाददाता विनय कुमार पांडे की खास। जो वितरण हो रहा है बाढ़ सामग्री, इसमें कितने लोगों को वितरण किया जा रहा है, क्या सिस्टम है इसका? आज गुप्तिया बैराज पर बाढ़ पीड़ित लोगों को बाढ़ सहायता सामग्री का वितरण 3 ग्रामों को खड़े, हमारा जो संगवा ग्राम सभा है वहाँ के लोगों को किया जा रहा है। 520 लोगों को आज ये सामग्री दी जा रही है, जिसमें चावल है, दाल है, उसमें आटा है, लैया है, अन्य सामग्री है, उसमें उसका वितरण आज किया जा रहा है। इसी प्रकार से प्रतिदिन जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है अपने तहसील महबूबा के अंदर, हम लोगों के अनुसार 64 ग्रामों में बाढ़ आई है जी। प्रशासनिक अधिकारियों से हमने कहा है कि जो अभी सूची बनी है लगभग 54 की बनी है, उसमें अभी 10-11 गांव का नाम नहीं है। हमने डीएम साहब से कहा है कि जैसे भट्टापुर हमारा गांव है, चालवा है, बड़खड़िया, उधर के जो गांव हमारे कठौतिया है, महाराजी नगर ही छूट गए हैं, उनको भी शामिल किया जाए। इस प्रकार भी हम शामिल करेंगे तो इस तहसील में लगभग 64 ग्राम सभाएं हमारी होगी और उनको क्रमशः सभी गांवों में इसी प्रकार से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा जो राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों को देना है वो दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि वहाँ भट्टापुर वाला पहुँच जाएगा। जो लोग आए थे भट्टापुर का, ठीक सर।